मीठा बोलो दिल से तोलो, और ले लो और ले लो करोड़ों रुपए का बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू कर लेते हैं और राजा कभी उधार नहीं पैसे की लगा दू ढेरी नौ नगद ना तेरा उधार वो कंजूस मक्खी चूस होते यहां से भी आ जाए इधर से भी आ जाए इधर से भी आ जाए चारों तरफ से पैसा आए कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे घोड़ा गाड़ी वहां पर पहुंचे रेलगाड़ी रेल और जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पर पहुंचे मारवाड़ी मारवाड़ी ये कहते हैं कि मारवाड़ी सब जगह पहुंच जाते हैं और धंधे में बहुत तेज होते होते हैं हैं तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि मारवाड़ी होते कौन हैं। जैसे राजस्थान में रहने वाला राजस्थानी पंजाब में पंजाबी गुजरात में गुजराती बिहार में बिहारी ठीक उसी तरह से मारवाड़ में रहने वाला व्यक्ति मारवाड़ी चाहे वो किसी भी जाति से हो बनिया हो ब्राह्मण हो ठाकुर हो या किसी भी जाति से हो मारवाड़ में रहने वाले को मारवाड़ी कहते हैं वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं ये बात बिल्कुल सही है बहुत सारी चीज़ हमें जन्मजात मिलती है या हमारे ब्लड में होती है आज मैं बात करूंगा ऐसे 11 पॉइंट की जिसको मारवाड़ी अपने बिजनेस में जरूर इंप्लीमेंट करते हैं और अगर आपने अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट किया तो आपको भी मारवाड़ी की तरह सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आज मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि मारवाड़ी करोड़ों रुपए का बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हम समझते हैं वो ग्यारह गुण जिसकी वजह से मारवाड़ी अपनी जिंदगी में सफल होते हैं तो सबसे पहली बात लो मार्जिन और हाई नंबर ऑफ कस्टमर मारवाड़ी हमेशा ही सोचता है कि मैं इतना सा मार्जिन लूं जिसकी वजह से मेरा कस्टमर हमेशा मेरे साथ रहे और निरंतर कस्टमर बढ़ता रहे मतलब मारवाड़ी का पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा ग्राहक तक अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को पहुंचाने पर होता है और आप जानते हैं मुकेश अंबानी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं उन्होंने जियो को बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट में पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों तक पहुँचाया जागृत किया और जब लोगों को पसंद आया तो बाद में नॉमिनल कॉस्ट पर उन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों के घोड़े खुल गए और दूसरा महत्वपूर्ण गुण मीठा बोलो दिल से तोलो और ले लो और ले लो मीठा बोलो, बोलो दिल से तोलो और ले लो और ले लो मैं बताता हूं कि दो शॉपकीपर थे एक ही मोहल्ले में एक मारवाड़ी था और एक दूसरे देश का व्यक्ति था दोनों के पास एक जैसे प्रोडक्ट थे और दोनों का रेट भी बिल्कुल सेम था लेकिन उसके बावजूद भी मारवाड़ी की दुकान पर भीड़ लगती थी और वो दूसरे देश के व्यापारी की दुकान पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी तो एक सर्वे किया गया कि इसके पीछे कारण क्या है तो देखा गया तो दूसरे देश का व्यापारी था अगर उससे कोई ग्राहक एक किलो चीनी लेने आता है तो वो अपने बैग में बहुत सारी चीनी भरकर तराजू पर रख देता है और एक किलो देने के लिए जो एक्स्ट्रा चीनी थी उसको और निकाल लेता है और निकाल लेता है और निकाल लेता है जिसकी वजह से ग्राहक को लगता है हुई हुई तो मेरी चीनी जा रही है लेकिन मारवाड़ी बड़ा स्मार्ट था वो क्या करता है वो पहले से ही सात सौ ग्राम चीनी भरकर लाता है तराजू में रखता है लड़के से कहता है बेटा और डाल और डाल आप ग्राहक को लगता है मुझे और चीनी मिल रही है और डाल और डाल तो कहते ना कि मीठा बोलो दिल से तो लो और ले लो और ले लो इस स्ट्रेटेजी का फॉलोअप जो करता है ना वो मारवाड़ी करता है और लास्ट में जब चीनी एक किलो देता है ना तभी तो कहता है रुको 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 एक मुठ्ठी चीनी और डाल देता है तो हर ग्राहक को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रहा है और इसीलिए उसकी दुकान पर भीड़ पड़ी रहती है आप भी इस गुण को अपना सकते हैं अरे वाह गुड आइडिया और तीसरा गुण जो मारवाड़ियों के अंदर कूट -कूट के भरा होता है वो होता है नौ नगद ना तेरा उधार मतलब चीज महंगी बिक सकती है पर उधार में बिक सकती है पर वो कहता है भैया नौ दे दे मुझे तेरा में नहीं बेचनी नौ नगद दे दे क्योंकि वो जानता है जो नगद गल्ले का व्यापार है ना उसमें कभी घाटा नहीं होने वाला और नौ में देगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा ग्राहक बार बार आएगा और जब ग्राहक बार बार आएगा तो वो लंबे समय तक आपको प्रॉफिट देता रहेगा एक बार उधार दिया वो भाग गया तो नुकसान हो जाएगा इसीलिए उसकी दुकान पर कई बार आपने लिखा देखा होगा नौ नगद ना तेरा उधार या आज नगद कल उधार परसों फ्री मेरे यार और कई बार तो ये मीठा बोलने में इतने तेज होते हैं वहां लिखा होता है ग्राहक तो राजा होता है और राजा कभी उधार नहीं मांगता मतलब आपको उधार मांगने के लिए मना भी कर दिया और आपका सम्मान करके आपको राजा भी बना दिया यह गुण मारवाड़ियों के अंदर होता है और इस गुण को हमें जरूर अपनाना चाहिए चौथी महत्वपूर्ण बात मारवाड़ी यह बात जानता है कि जब मैं लो मार्जिन लूंगा तो मेरा ग्राहक लंबे समय तक मुझसे जुड़ा रहेगा इसका मतलब वो लॉन्ग बिजनेस प्लानिंग करता है लो मार्जिन टू रिटेन कस्टमर फॉर अ लॉन्ग टाइम और निरंतर व्यापार में जब वही ग्राहक रहते हैं तो नए ग्राहक जुड़ते जाते हैं पिछले ग्राहक जाते नहीं हैं जिनसे ग्राहक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनका बिजनेस विजन बहुत बड़ा होने की वजह से वो आजीवन बेहतरीन प्रॉफिट कमाते हैं और आपने लोगों के मुँह से एक बात और सुनी होगी कि मारवाड़ी जो होता है ना वो कंजूस मक्खी चूस होता है लेकिन ऐसा नहीं है वो हमेशा जानते हैं कि अपने पैसे का पूरा मूल्य कैसे लेना है तो हमेशा खर्चे हुए पैसे से मिलने वाला लाभ भी वो पूरा लेना चाहते हैं स्पेंड मनी वाइजली मारवाड़ी अपने पैसे को बड़ा सोच समझ के खर्च करता है कहीं भी ऐसी जगह खर्च नहीं करता जहां उससे मिलने वाला रिटर्न खर्चे से कम हो तो बराबर की टक्कर की वजह से वो ये देखता है कि किस में पैसा लगाने से फायदा होगा और किस में नुकसान होगा इसीलिए मारवाड़ी को कई बार कंजूस मक्खी चूज कहते हैं लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता आप देखो मारवाड़ी शादी करते हैं आलिशान तरीके शादी करते हैं या घर बनाते हैं आलिशान घर बनाते हैं खाते खाते हैं हैं, बढ़िया पहनते हैं बढ़िया पहनते हैं लेकिन कभी भी ऐसा पैसा वेस्ट नहीं करते जहां पर उनको लगता है कि यह तो ज्यादा खर्चा है और अगला महत्वपूर्ण गुण और वो है वाइड नेटवर्क मारवाड़ी आपको विश्व के हर देश में मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने नेटवर्क को इतना बड़ा किया है कि काम की खोज में वो एक राज्य से दूसरे राज्य एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से पूरे विश्व का भ्रमण कर लेते हैं इसीलिए उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है आप मारवाड़ी का कोई भी नेटवर्क कहीं भी देख सकते हैं और अगला महत्वपूर्ण गुण वो है ट्रेंड फैमिली फॉर बिजनेस ग्रोथ वो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए ना बचपन से ही अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व करते हैं अपने बच्चों को बचपन से काम में जरूर इन्वॉल्व करते हैं और साथ ही साथ उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए जो भी उनका बिजनेस है उसमें दो चार साल नौकरी ज़रूर कराते हैं क्योंकि नौकरी करने से ग्राउंड रियलिटी का पता लगता है और ग्राउंड रियलिटी के पता होने से वो व्यापार में कभी मार नहीं खाते अगला गुण वो है स्टाफ ही परिवार है वो हमेशा अपने स्टाफ मेंबर को अपने एम्प्लॉयज को अपने साथियों को घर परिवार के मेंबर की तरह रखते हैं उनके हर सुख दुख के साथी होते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि जीवन का बहुत बड़ा समय हमारे व्यापार में निकलता है अपने स्टाफ के साथ निकलता है इसीलिए खुद भी खुश रहो उनको भी खुश रखो खुद भी खुश रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे वो भी खुश रहेंगे तो मिलकर आगे बढ़ेंगे तो इसे विन विन सिचुएशन में वो हमेशा अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर की तरह समझते हैं और मिलकर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं वो एक गाना तो आपने सुना होगा कि पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है क्या होता है पैसा पैसे की लगा दूं ढेरी और ये बात मारवाड़ी पे बहुत सटीक बैठती है क्योंकि हर जगह ना उसको चारों तरफ पैसा ही दिखाई देता है कि यहां से भी आ जाए इधर से भी आ जाए इधर से भी आ जाए चारों तरफ से पैसा आए इसीलिए वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की इनकम पर काम करता है कई बार इसको एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इनकम पर काम करते हुए देखा जा सकता है एक्टिव इनकम मतलब बिजनेस कर रहा है काम कर रहा है कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उससे भी इनकम आनी चाहिए बिजनेस से जो पैसा कमाएगा उसको इन्वेस्ट करेगा उस इन्वेस्टमेंट से भी इनकम रिसीव होगी चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो चाहे वो प्रॉपर्टी खरीद बेच के होने वाले प्रॉफिट के रूप में हो या जब तक वो बिक नहीं रही तब तक उसको रेंट पर उठा के उससे रेंट कमाता है मतलब हर वो मौका जहां से पैसा कमाया जा सकता है पैसा कमाने का प्रयास करता है इसलिए गाना ना मारवाड़ी के ऊपर बड़ा सा टीक बैठता है अगला जो महत्वपूर्ण गुण है ना वो है नेगोशिएशन स्किल्स मोल भाव करना एक मारवाड़ी किसी भी सामान को खरीदते समय मोलभाव ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता वो हर चीज में मोलभाव जरूर करता है और ध्यान रखिए जो मोलभाव करता है कई बार उसको वो चीज़ उसकी एक्चुअल कॉस्ट से कम में भी मिल जाती है आपको मोलभाव करने की स्ट्रेटेजी आनी चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति को देख कर समझ जाएं कि वो कितना और घटा सकता है और मारवाड़ी इसमें बड़े तेज होते हैं वो चेहरा देखकर पढ़ लेते हैं कि अभी तो और घटेगो अभी तो और घटेगो तो घटते 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 बिल्कुल लीस्ट कॉस्ट पर लाता है और तब चीज़ को खरीदता है जिससे मिलने वाला प्रॉफिट उसकी लाइफ में हमेशा उसको आगे बढ़ाता है और अगला जो महत्वपूर्ण गुण है वो है बिजनेस पार्टनरशिप मारवाड़ी अगर, अगर अपने काम में पैसा कमा रहा है लेकिन उसके बावजूद यदि दूसरे व्यक्ति के काम में उसको इंटरेस्ट आता है ना तो वहां पर वो बिजनेस पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाता है हर तरह से चाहे पैसा लगा के चाहे लेबर लगा के चाहे मेहनत लगा के चाहे अपना समय इन्वॉल्व करके हर तरह से पैसा कमाने के लिए वो पार्टनरशिप के लिए तैयार हो जाता है मेरे कई शोरूम गुजरात में हैं मेरे कई शोरूम मारवाड़ में हैं तो वहां मैंने देखा कि वो लोग कैसे पार्टनरशिप करते हैं किसी को वर्किंग पार्टनर बना लेते हैं किसी को कैपिटल पार्टनर बना लेते हैं किसी को मैनेजमेंट पार्टनर बना लेते हैं किसी को सिक्योरिटी पार्टनर बना लेते हैं जैसे भी जो आदमी पार्टनर बन सकता है उससे मिलकर उसके साथ काम करते हैं और आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बन चुके हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि मारवाड़ी कम्युनिटी ने बिजनेस में अपना परचम लहराया अपना झंडा गाड़ दिया है और वो कौन कौन से हैं जैसे रिलायंस फ्लिपकार्ट मिंत्रा स्नैपडील ओयो ओला जोमेटो और अब मैं आपको बता दूं मारवाड़ियों का वो गुण जो करोड़ों का बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के करने के लिए तैयार हो जाता है मारवाड़ी कहता है इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास है मुझे तो वो लोग चाहिए जिसके अंदर योग्यता है जिसके अंदर काबिलियत है और आप जानते हैं कि माहेश्वरी भी मारवाड़ी होते हैं और मैं एक मारवाड़ी हूं तो मैंने भी अपनी कंपनी में एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल डिजाइन किया कि यदि आपके एरिए में आपके आसपास में कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है मकान बंगलो कोठी फार्म हाउस विला कुछ भी बन रहा है या रिनोवेट हो रहा है तो उसके मालिक का नंबर और नाम हमें दें और हमारी कंपनी जो स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन बनाती है वो उस क्लाइंट को कॉन्टैक्ट करेगी उससे डील करेगी और अगर डील होती है तो पार्टनरशिप की वजह से मिलने वाला इंसेंटिव मतलब कमीशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और हमारी स्ट्रेटेजी ने हमें इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है अगर आप हमारी कंपनी के एसोसिएट पार्टनर बनकर बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाना चाहते हैं तो अभी बोर्ड पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आ जाएगी मेरा रिक्वेस्ट है कॉल ना करें व्हाट्सएप करें आपको सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपके व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच जाएगी उसको फॉलो करें हमारी कंपनी को ज्वाइन करें और एक हेल्दी इनकम तीस चालीस हज़ार रुपए से लेकर चार 5 लाख रुपए तक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कमाएं क्योंकि हम भी मारवाड़ी हैं और ये कहते हैं कि पैसा हमारा मेहनत तुम्हारी मिलकर करेंगे काम और खूब कमाएंगे नाम स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत